मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस ओके, व्हाट डिड वी डू लास्ट टाइम? सर, वेटेड डिस्कशन ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 45। उसके पहले सर, वी डिड दैट दिस एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर, ट्रायंगल बाइसेक्टर किया। यस सर। Have I done foot of perpendicular and mirror image formula? No, sir. Okay, and angle bisector मैंने और क्या क्या questions किए थे? Just how many questions have I done? Sir, we did like how to find that which is positive, which is negative one, and when only one sum, like for example. Okay, no, I didn't give you any question to solve, right? No, sir. Okay. In this this Sunday state WT, how much part of the straight lines are coming? So, जो भी देखो पेपर मैंने ही बनाया है, इनफैक्ट तो जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा। although ये चैप्टर में जैसे लाइक देयर आर सम लाइक मे बी क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लाइक टू डू व्हिच आर नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ द सिलेबस बट इट्स लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस है, अच्छे, सो दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट जो भी मैंने पढ़ाया है वो तो आने ही वाला है। सो ऑल्दो यू कैन ट्राई दी, अभी जैसे अभी तुमने अभी कितना ट्राई किया बुकलेट, 1A 1 to 45 किया, 1B किया? यस सर। ओके, 1B के बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2A करो। सर 1B आधा ही किया आपने सर? दिया था 1B, वी डिड ओनली लाइक 41 टू 50 नो। यस सर, 41 टू 50 दिया आपने, पहले का नहीं दिया। अच्छा तो 1B मतलब तुम क्या करो, 1B का 1 टू 30 करो एंड देन 2A स्टार्ट करो। ओके, 1B करो फिर यहां पे जाओ। 2A बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, from test point, ठीक है? Now I'm going to give you a question on angle bisector. I want to like Sir, I had a question. The equations you have given, slope of AB into slope of AC does not come up to be -1, it comes up to be 1, but they are like perpendicular, right? So, who said? Kaise bhi de sakte triangle. Ek minute. वैसे तो दे नीड नॉट बी, बट राइट एंगल गलती से हो गया, राइट एंगल नहीं है। ओके सर। सो या इट्स नॉट अ राइट एंगल, इट्स दैट वाज अ मिस्टेक, इट्स जस्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
किसी का आ रहा है? दो एंगल बाइसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, हाँ सबसे पहले नहीं बट अक्यूट ऑब्ट्यूज कौन सा है इसमें, ये कैसे पता चलेगा? सर इफ द स्लोप इज पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंड इफ स्लोप इज नेगेटिव अक्यूट, मैंने बताया क्लास में कैसे ढूंढते हैं। यस सर, इफ लेस देन 1 देन एक्यूट एंड ग्रेटर देन 1 देन ऑब्ट्यूज। पॉजिटिव नेगेटिव जो जिसने इसके पहले जो उसने बोला है प्लीज रिवाइज करें नोट्स। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप से कुछ ये पता है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। इस तरह से पहले तो ये इक्वेशंस इस तरह से आएंगे, ठीक है? सो देन मैं अगर प्लस लेता हूं तो ये ऐसे बनेगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और अगर मैंने माइनस वाला लेता हूं तो ये आएगा सेवन एक्स प्लस सेवन वाई माइनस फोर्टीन इज जीरो, x plus y minus 2, ये I guess many people got this, लेकिन कौन सा वाला है कैसे decide करेंगे? उसके लिए क्या करो? ये वाली line लो, इसका slope plus 1 है, and let's take this bisector over here, this line over here, sorry, इसका slope minus 3 by 4, correct? minus 3 by 4 है, So, इनके बीच का tan theta हम निकालेंगे, m1 minus m2 1 plus m1 m2, correct? So, this is 7 by 4 upon 1 by 4, which is 7, which is greater than 1, correct? Since this is greater than 1, it means theta is greater than 45. तो ये जो plus वाला है वो obtuse bisector है, minus वाला acute है, समझ रहे हो? Yes sir. ठीक है. तो ये part पहले copy करो. Then try the second part. So, आपको n की वैल्यू कैसे आई? क्या n? So tan theta वाले फॉर्मूला में n. हाँ. उसकी वैल्यू कैसे आई?
m1 minus m2 1 plus m1 m2 है ना. हाँ तो वो minus 3 by 4 कैसे आया सर, तुमको समझ नहीं आया. ये line का slope लिया ना एक. अच्छा okay okay sir thank you. Line और bisector कोई भी bisector के बीच का angle निकालते हैं. Okay sir. So could you scroll up? Sir, the portions sir, the straight line is over or going to be over, sir? What do you mean? He's talking about the chapter. Chapter straight lines. See, straight lines will be officially over, but theory completion is not like the. Mathematics mein, just because I've completed all the formula and all the theory doesn't mean that it's over. I have to do some types of questions. Okay, sir. So that you can do the tougher exercises maybe like later on. Sir, dusra question dekho. But ye hai na? Find equation of BC.
Okay, how do you get that? X plus y plus 8 is equal to 8a. How do you get equation of BC? So we know as it is a isosceles triangle, the angle bisector will be perpendicular. Yes, sir. हाँ देखो एक्चुअली ऐसा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में बाय कॉन्ग्रुएंसी यू कैन वेरी इजीली प्रूव कि जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होगा ये बोल रहे हो एक्चुअली yes, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो होगा उसके पैरेलल होगा सर उसके पैरेलल होगा Because bisectors भी आपस में perpendicular होते हैं ये भी मैंने पता है yes yes sir ठीक है so this line has two bisectors this one or this one okay now you notice one thing that it is given that the line BC passes through 5, 3 It's a 5, 3, it lies on neither of these two lines. वो कहीं और ही है. हो सकता है 5, 3 यहाँ हो. Somewhere in the middle. So it means that the line BC passes through 5, 3. So line could be like this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now this might be parallel to this bisector. But there is also another possibility. कि जो लाइन है वो ऐसे भी आइसोसेलेस बना सकता है कि नहीं इट कुड आल्सो बी पैरेलल टू दिस बाइसेक्टर यू गेटिंग इट ऐसा भी तो बन रहा है ना आइसोसेलेस अगर मुंडी ऐसे करके देखोगे तो ऐसे भी आइसोसेलेस बन रहा है ऐसे भी बन रहा है गॉट इट यस सर ठीक है सो बी एंड सी व्हिच वन इज करेक्ट सर एक मिनट डी एंड सी कुड बी हियर आल्सो There's no such thing as this one is wrong and this one is correct. Both are correct. B and C could be here also. There are two possibilities. So, answer dono hai. Now, the thing is, we got the bisectors. Bisectors ki slope kitne hai? -3/4 and... Nahi, line ka nahi, bisector ka. One and minus one. इस वाले का जो स्लोप है वो माइनस वन है सो बेसिकली वी कैन से दैट बीसी विल बी पैरेलल टू वन ऑफ द बाइसेक्टर्स सो स्लोप ऑफ बीसी कैन बी वन और माइनस वन एंड नाउ इट्स पासिंग थ्रू 5, 3 ऑल्सो So, your equation y minus 3 is m x minus 5, where m can be 1 or minus 1. You understanding? Yes, sir. Okay. Then copy this part. So no, perpendicular हटा दिया right? perpendicular नहीं है so we'll get two equations right for both the values of m
Yeah, there are two possible value, sides BC. Okay. Both are right. So there are two triangles possible. स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन वो तो बाइसेक्टर्स का है, लाइंस का नहीं है, एबी और एसी का नहीं है। बाइसेक्टर्स तो परपेंडिकुलर होते ही है, वो तो प्रॉपर्टी होती है। हाँ ये कॉपी कर लो। Sir, like which part of max is very scoring, sir? Sir, is it geometry like that? See, every wait, ye ho gaya copy karke? Yes, sir. It's not like an entire section is scoring. Entire section is not scoring. You can like maybe isolate a few topics or few subtopics that are scoring. So every chapter has some element of tough and easy in it. Just like that. Don't skip chapters and don't try to ignore top. Sir, because no, tough sir, chapter ka ek easy question bhi aa sakta hai. Matlab samajh rahe ho? Yes. Okay. तो इट्स लाइक सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन आया लेकिन तुम्हारी साइन थीटा देख के तुम्हारी फट गई, क्या कर लोगे? फिर पता चला बाद में एग्जाम की बता रही तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मेरी तो बस साइन थीटा देख के मैं डिस्करेज हो गया। तो ये होता है हमारे साथ, समझ रहे हो? ओके, साइन थीटा कॉस थीटा सॉल्व करते करते एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाते हो, उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती, वही होता है। नाउ Sir, only an isosceles triangle is side parallel to bisector. Yes. Only okay. In this triangle. ये perpendicular है और bisectors भी आपस में parallel हो गए ना। ऐसे isosceles में होगा, दूसरे में नहीं। Sir, equilateral में। Sir, वो आपको perpendicular आया कैसे? कैसे पता चला? ये congruency से prove होता है। Congruent triangles. You can prove this is common side. Okay, sir. You'll end up getting that this is theta, this is also theta. But this is linear pair, so theta plus theta is 180. Aisa kuch hota hai logic iska. Okay. Now, I actually wanted to give a formula.
And this formula is actually for foot of perpendicular and mirror image. Now this formula is derived using 3D geometry logic. मतलब ये formula officially 3D geometry वाले chapter. But this formula can be used in straight lines. So what I'm going to do is I'm going to show you कि ये formula करता क्या है and I'm going to give you the formula. The formula looks very big but it's very easy to apply. So let's say for example I have a 2,3 and I have a straight line x plus 2y plus 2 is equal to 0. I drop a perpendicular onto this line. When I drop the perpendicular, ये जो intersection point आता है इसको foot of perpendicular. Foot इसलिए बोलते हैं because feet ऐसे होता है ना ये 90 degree, this point. तो this is the foot of perpendicular. I want to find the coordinates of this point. How do I find the coordinates of this point? Tell me. Sir. Sir, m1 into sir, m2 is minus 1. Yes, sir, minus 1. The slope will be minus 1 if we multiply the slope of both. Okay, the slope of this is minus half. So the slope of this will be 2, correct? Yes, sir. Okay. So what we can do is we can find out the equation of the line PF. Otherwise, we can solve the equations. We can form two linear equations. Okay. So this is equation of what? PF, yes? Yes, sir. Slope is 2. Because iska slope 2 hoga na? 2 into my, this is, see the product. So y is equal to 2x minus 1. Now we're going to solve this line and the original line simultaneously. Okay. And if we solve simultaneously, we will get x plus 5x minus 2 plus 2 is 0. So this implies x is 0, correct? X is 0 and y is minus 1. So the foot of perpendicular is 0 comma minus 1. Is this clear? Okay. Now, if I want to find the mirror image of the same line and the same point, what we can do is we take the point P. This is the foot of perpendicular which we just got. Now mirror image would be this. Mirror image means like जैसे तुम अपने mirror के सामने खड़े हो तो जो virtual image बनता है वो तो पीछे बनता है ना. Yes or no? Yes sir. पीछे की तरफ बनता है ये mirror image point. Now mirror image अगर x comma y है तो this is actually we can use midpoint. Midpoint. Yeah. Yes sir. So we can say x plus 2 upon 2 is 0 and y plus 3, average of y and 3 would be minus 1. So usse apne ko aa jayega x is minus 2 and y is I think minus 5. So the mirror image point is minus 2 comma minus 5. Is this clear? ना ये जो हमने जितना भी प्रोसीजर किया है जितना हमने ये सॉल्व किया है इन कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्ट फॉर्म में से रादर देन ट्राइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सॉल्व इट ऑल दैट. नाउ इट्स अप टू यू व्हिच व्हाट यू यूज डू यू. ओके आई एम गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला फर्स्ट एंड इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज दिस बेसिक मेथड व्हिच इज इन्वॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सॉल्विंग और यू वांट टू यूज द फॉर्मूला. I will show you what the formula is. The formula is a little, might be seem a little big at first. So, foot of perpendicular ka formula. So, x comma y is the coordinates of the foot of perpendicular. The original point is x1, y1. And line is ax plus by plus c equal to 0.
So the coordinates of foot of perpendicular are given by this. It's x minus x1. जैसे तुम slope निकालते ना y minus y1 ऐसे ये लिखो. Okay. तीन equal to sign होते हैं इसमें. अच्छा x minus x1 के नीचे x का coefficient लिखो, यहाँ पे y का coefficient लिखो. और यहाँ पे minus it's a very big formula. X1 y1 को इसमें substitute करो. Like we find power, no? ओके एंड जैसे पीडीएफ टू में करते हैं अभी याद करो और यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ये काफी बड़ा फॉर्मूला है. आई विल शो यू हाउ टू यूज इट. इट विल बिकम अ लिटिल इजीयर टू अप्लाई. इफ द मोर यू यूज दिस इट विल बिकम वेरी सेकंड नेचर टू यू एंड देन यू विल स्टॉप यूजिंग दिस बेसिक मेथड बिकॉज यू विल थिंक दैट दिस इज लॉन्ग. बट स्टार्टिंग में तुमको लग गया ये क्या है इतना बड़ा फॉर्मूला. सिमिलरली मिरर इमेज का अगर मुझे निकालना हो तो इसमें एक डिफरेंस होता है. इसमें टू टाइम्स होता है. ओके मिरर इमेज में टू होता है बस. बट अदरवाइज इज सेम फॉर्मूला. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. देखो सपोज करो एक पॉइंट है 1.5 और एक लाइन है x प्लस 3y प्लस 4 इज 0. ओके आई वॉन्ट टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना हो तो मैं ऐसे करूंगा x minus x1 मतलब difference in the x coordinates लिखो, difference in the y coordinate लिखो, ठीक है, तीन equal to sign है. अच्छा, इनके नीचे आएगा line में जो x और y के term coefficients क्या है, 1 और 3 है, बराबर? Now, minus लिखो, ये point को line में substitute करो, x के जगह 1, y के जगह 5. क्या बनेगा? x plus 15 plus 4. और नीचे इसके आएगा x और y के coefficients के square का सम. 1 plus 9. Okay. So this is how much? Numerator is how much? Tell me. 1 plus 15. 20. Yeah. So this is minus 2. Correct? So now x minus 1 को equate करो minus 2 से. x कितना आता है? Minus 1. And y minus 5 upon 3 को equate करो minus 2 से. Minus 1. That is the foot of perpendicular. X is minus 1 and y is minus 1. समझ में आ रहा है? वहां पर x minus 1 सर आप ऊपर का दिखा सकते हैं या हाँ वहां पर x minus 1 by 1 है. हाँ मतलब वो divided by 1 है ना सर. divided by 1 है क्योंकि लाइन में x का coefficient 1 है. ओके सर समझ गए. ओके मिरर इमेज में 2 आएगा. आई विल जस्ट शो यू अनदर एग्जांपल before I ask you to copy. Suppose करो point at 2.5 और मुझे mirror image निकालना है about the line x plus y is equal to 3 या x plus y minus 3 is equal to 0. तो mirror image का formula कैसे होगा? delta y लिखो x change in y minus 5 लिखो x minus 2, y minus 5. अच्छा, अभी लाइन के coefficients क्या है, x और y? 1 and 1. तो 1 and 1 आएगा, ठीक है, minus 2, okay. ये point को, 2.5 जो है, इसको इसमें substitute करो. LHS part, क्या बनेगा? 0. 2 plus 5 minus 3.
नहीं सर सॉरी फोर 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 इज इक्वल टू एक मिनट जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे दिस इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स टू प्लस फाइव माइनस थ्री ठीक है एलएचएस पार्ट में कर सकते हो अच्छा नीचे आना चाहिए ये और इसका स्क्वायर एक्स और वाई के टर्म का स्क्वायर समझ रहे हो कैसा नो यस सर ओके कितना आ रहा है ये माइनस एट पॉइंट टू भी है माइनस फोर आ रहा है so we are getting x minus 2 is equal to y minus 5 is this so x ki value kitni hogi minus 2 y ki value hogi 1 so mirror image is minus 2 comma 1 samajh mein aa raha hai yeah so put it scroll up sir wo upar ka part jo aap explain kar chuke ho ye samajh mein aaya maine ha sir formula kaise apply ab ye kahan pe sir but सर वो क्या लिखा है आपने वो मतलब कैन यू टेल मी व्हाट इज द वो कैन यू फॉर वंस गो टू दैट सम सेकंड वन मिरर इमेज वन डाउट है यस सर आई वाज जस्ट लास्ट कंफर्म करना ओके डन सर काम करो अभी सबको अलग अलग पेज में डाउट है पहले ये कॉपी करो जिसको ये पेज में डाउट है वो पूछे व्हेन यू आर कॉपिंग द नेक्स्ट पार्ट पेज यू आस्क डाउट ऑफ दैट पेज ठीक है पहले कॉपी कर लो सर वो एफ के नीचे वाला वर्ड क्या है साइमल्टेनियसली सर वो मिरर वाला डेरिवेशन आप दिखा सकते हैं Can you please scroll down? Sir, आप नीचे का पार्ट दिखा सकते हो
Sir, could you scroll down, please? ये हो गया यस सर ये तो माइनस टू माइनस फाइव लिख दो फाइनल आंसर Could you scroll up slightly? 1 minute, sir. I'll take a screenshot. Okay. Sir, scroll up. No, sir. 1 second, sir. Sir, do we have the derivation? मेरी आवाज नहीं आ रही सर डू वी हैव द डेरिवेशन फॉर दिस नो नो नो
There is no derivation. हाँ ये हो जाए तो बता दो. सर डन. ओके सो दिस इज हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. So what have you written, sir? Where? On that example right side, you have something written. I couldn't understand. Where? I have not written anything. These are equations and numbers. Sir, that point is there. No, sir. The point left side above. Nothing. It's just cancelled. It's a cancelled point. F is written here. Point. Sir, above that 1,5 is there, no? There, which you have crossed. This is the point, ha. 1,5. Ha. Sir, done. सबका हो गया.
हो गया नो सर यस सर Sir, done. Okay. So what about question 3, sir? Haruko Dera. So should we copy the questions first? क्या हुआ? What did you just say? Should we copy all the questions first? हाँ, copy the questions. This is a geometry question.
Okay, do the first and second. I will do the third. Okay. फर्स्ट वाले का तो आ जाना चाहिए, सेकंड वाला सोचो।
Let's do the first one. And second. Done, sir. Second ke liye 1 minute bas. Sir, all three done. How do you do the third one? Sir, as it is an angle bisector, so tan theta, which is like between the two lines, will also be equal. So, what's the subset? Point kya diya? Okay. So मुझे अगर foot of क्या पूछा था foot of perpendicular पूछा था ना sir reflection sir क्या पूछा है मेरा तो मैच पूछा reflection ठीक है तो I don't need the diagram also. Okay. Upon minus 3, 2 times. Isko substitute karo LHS part mein. Two square and minus 3 square. Itna hai ye? Minus 13, by minus 13, which is minus 1. So 2 aa raha hai na ye? So, x minus 2 is 4, x is 6, and y minus 5 is minus 6, so y is equal to minus 1. So mirror image is 6 comma minus 1. So yeah. Nobody needs to copy this, right? Second wala. So can you scroll down a little bit? Second question. A is 1, 1. Now, you understand what perpendicular bisectors are, right? So, ye line ke perpendicular bhi hai. Aur line ko bisect bhi kar raha hai. So, ये AB का bisector है. So, obviously, A का mirror image में B नहीं होगा. Yes, sir. Yeah, correct? Yeah. Use mirror image formula, we get B. X minus 1, Y minus 1. X और Y के भी coefficients 1 है line में. Minus 2, 1, 1 इसमें substitute करेंगे. Minus 3, so that's 6 by 2, which is 3. So x minus 1 is 3, so x is 3 plus 1, and y is also 3 plus 1. Okay, so basically b we are getting as 4 comma 4. Okay, and what is the other perpendicular bisector? Perpendicular and bisector. X plus 2y plus 7. हम क्या करेंगे उसका भी इमेज निकालने के तो C मिलेगा A का. So if I want to find C, so x minus 1 is y minus 1 upon 1 and 2. 2 times 1 comma 1 को इसमें substitute. Correct? Ten. 2 minus 4. Minus 4. So x minus 1 is minus 4, x is equal to minus 3.
So C will be minus 3 minus. आई बात समझ में? So ये B और C के coordinates आ गए. अभी BC का equation भी पूछा है, तो हम two point form से करी सकते हैं. Slope of BC will be 11/7. So equation of BC will be y minus y1 is m x minus x1. सही है? क्या आंसर आ गया? Are you following? Yes, sir. If you have to copy the first wala, that means तुमने formula भी लगाया नहीं है. Please try it on your own. तुमको अगर फर्स्ट वाला भी कॉपी करना है मतलब तुमको फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो पाया है. प्लीज डू इट अगेन. आई जस्ट वांट टू चेक द लास्ट स्टेप. वन सेक. तो सर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर के पॉइंट्स है ना, मतलब वो मिलते हैं ना हमें वो फॉर्मूला लगाने से. हाँ, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो परपेंडिकुलर जो ओरिजिनल लाइन को मिलता है, मतलब परपेंडिकुलर जहाँ पे है उसके पॉइंट्स मिलते हैं ना सर, जहाँ ये राइट एंगल दिख रहा है ना उधर वो पॉइंट. ओके सर. एक मिनट, पहले लोग कॉपी कर रहे हैं, सो जस्ट वेट फॉर दैट एंड देन आई सो कैन यू शो द थर्ड क्वेश्चन. एक मिनट, हो गया कॉपी करके ये वाला पार्ट? यस सर. ये वाला करो पहले कॉपी, देन आई शो.
हाँ ये हो गया यस सर यस सर सर सेंट द आंसर द थर्ड वन कैन यू चेक वन मिनट ओके नाउ ओके नाउ इफ द लाइन is the angle bisector of this one and this one. Find the unknown line. How do you do this question? First, slope. So जैसे हम करते थे, we used to calculate tan theta, right, for the bisector with one line. So we calculate that, and then we use that value as well for the other unknown line. And then there is one. We can find the point of intersection, and so. One second, let me just. Now there are two ways to do this. There is a short way and a long way. Okay. So. You want to know both? Yes, sir. Yes, sir. Sir, only the short way, sir. Is the long way bad? Sir, both. Sir, both. Long way and short way, देखो exam में क्या होता है? तुमको कोई भी method click हो जाए वही बहुत बड़ी बात है. You not be like bothered ki mujhe most efficient method click hota hai. You want to know as many techniques as possible so that the probability of ki click ho jaye is the highest. You're not going to wait for like 10 minutes just to think of the best method. Rather, now let me show you the long method. So long method is basically like this. Now I'm going to do a very specific trick over here. It's somewhat like what you said. ये 3x plus 4y है और ये bisector है. अब actually क्या है ना, इसमें bisector का formula नहीं लगा सकते हैं, because bisector का formula लगाने के लिए you need to know the lines, both the lines. यहाँ पे L1 पता है और L2 पता है, L2 नहीं पता है लेकिन bisector पता है, so somewhat weird है. That formula kind of doesn't work here. Now what you can do over here is this. सबसे पहले we can find the intersection point. So can we solve these two simultaneously? Yes, sir. अपने को मिल गया. अच्छा अभी क्या करेंगे देखो, वी आर गोइंग टू यूज the slope rotation thing, because देखो ये angle theta और ये angle theta same है, बराबर? Okay, लेकिन हमें थोड़ा सा बहुत ही specific तरीके से use करूँगा और ये याद रखो, इसमें mistake मत करो. इसका slope कितना है बताओ? -3/4 and for the bisector it's -1. Yeah, this slope is -1. Correct. Okay. Yes, sir. और इसका स्लोप मुझे नहीं पता है, so I'm just going to assume that the slope is something capital M or something if the slope. And I'm just using any letter. Okay. अच्छा ये हम लोग, मैंने जो arrows बनाए हैं यहाँ पे, I have drawn the arrows in the clockwise direction, right? Yes, sir. Now it's very important to have a sense of direction, because if I have made anti-clockwise here, I'm going to make anti-clockwise here. Now do one thing. Since I'm going clockwise like this, downwards,
देखो tan थीटा जो होता है वो होता है mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 बराबर? Yes sir. अच्छा वो m1 minus m2 को तो m2 minus m1 भी लिख सकते हैं because it's inside the mod, तो negative positive का कोई फर्क नहीं पड़ता है. Yes. I can write it as m1 minus m2. m1 क्या है, m2 क्या है, ये कोई fixed है. तो m2 minus m1 भी तो लिख सकते हैं formula में. Yes sir. Are they the same? Like, let's say you decided, okay, I will take the first line as M1 and second line as M2, or I take this as M2 and this is M1, or whatever, something like that. You can just change the order, right? Does it matter? Yes. Okay. What I'm trying to say is that it doesn't matter. Okay. Now, एक सेकंड, मेरा हैंग हो रहा है. एक मिनट. हाँ, अब आ गया. ओके. So what I was telling you was that, let me just see. Okay. Look very carefully what I'm going to do. I'm going to apply M1 minus M2. I'm going to apply this without the mod. 1 plus M1 M2, correct? ये देखो ये सही है. ठीक है. Yes, sir. Now, मैंने जो M1 minus M2 लिया है, you notice I have taken like M1 minus top minus bottom, ऐसा लिया है, ऊपर वाला लाइन माइनस नीचे वाला लाइन, ऐसा लिया ना मैंने, देख रहा है? Yes, sir. तो टॉप माइनस बॉटम ऐसे ले रहा, तो ये ऐसा क्लॉकवाइज आ रहा है, M1 minus M2, top minus bottom, समझ रहे हो? Now, same thing I'm going to do on the other tan theta. Okay, so I'm going to do, okay, this is top minus bottom. मतलब समझ रहे हो? इस तरह से. You understand what I'm saying? So मैंने यहाँ पे M1 minus M2 लिया है. M1 मतलब ऊपर वाले लाइन का ये स्लोप माइनस ये वाले लाइन का स्लोप tan theta. समझ रहे हो? So I'm basically following a clockwise direction. If you understand what I'm trying to say. ठीक है? And इसको solve करोगे. Now there is no mod here. I have actually used this sort of, and इसमें mod नहीं लगाया. इसको solve करोगे directly आ जाएगा. Because हमने direction maintain किया है, top minus bottom ऐसे कर रहे हैं, तो उससे answer correct आ जाता है. इसमें mod की जरूरत नहीं पड़ती. If you solve this, what do you get? Tell me. You get 1 by 4 upon 7 by 4 is equal to minus 1 minus m, 1 minus m, which is m plus 1 by m minus 1, which is basically 1 by 7. So 7m plus 7 is m minus 1. 6m is minus 8. M is minus 4 by 3. अब ये आ गया तीसरी लाइन का, लाइन थ्री जो अननोन लाइन थी उसका स्लोप आ गया. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? 4.3. ओके, सो y माइनस y1 इज दिस x माइनस x1. 3y माइनस 9 इज माइनस 4x प्लस 16. वी गोना गेट 4x प्लस 3y इज 25. ये आ रहा है. Okay. Now this thing that I've done here, have you? मैंने लगाया क्या है? मैंने tan theta लगाया है ना मैंने?
सर आपने ना टेन थीटा पहली बार लगाया वो समझ में आया, फिर उसके बाद आपने क्या किया वो नहीं समझ में आया यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ ना फॉर्मूला तो वही है ना ऐसा नहीं करना है कि एक का क्लॉकवाइज लिया और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज लिया, समझ रहे हो? You understanding the what I'm trying to say? Yes, sir. ठीक है, उसमें फिर error हो जाता है, उसमें error हो जाता है, so just be very careful. Sir, if we take more than what mistake would be doing over here? Actually, होता क्या है कि फिर mod में क्या होता है कि फिर plus minus आ जाएगा, right? Yes, sir. And mod में क्या होगा कि you will have to solve two equations, okay? Let's say suppose ये angle 30 degree आया, hypothetically assume करते हैं. We got this angle as 30 degree. Now we are saying that this unknown line is also making 30 degree with this बीच वाला. Yes. अब what is the line that makes 30 degree with the bisector? इसके दो आंसर नहीं है, एक तो ओरिजिनल लाइन ऊपर से नीचे वाला लाइन, बराबर? यस। तो इसके इसमें क्वाड्रेटिक आएगा तो या मॉड में दो आंसर आएंगे, एक अपने को जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आएगा और एक है जो ऑलरेडी अपने को पहले से ही पता है ओरिजिनल लाइन. नाउ इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग टू डिफरेंट इक्वेशंस, मतलब प्लस माइनस आएगा ना मॉड लगाओगे तो डबल सॉल्विंग हो जाएगा. So instead of that, अगर तुमको directly ये unknown line चाहिए तो तुम ये करो, समझ में आ रहा है? फिर answer reject कैसे करेंगे? क्या? दो answer आएगा तो select कैसे करेंगे? Reject कैसे करेंगे? अरे एक original है ना, वो तो तुमको पता ही है, तो वो eliminate करो. पहली वाली line की एक answer आएगी ना? हाँ sir. Given line है. इसका स्लोप क्या है? माइनस थ्री बाय फोर नहीं है? हाँ, तो वो दोबारा आएगा तो उसको रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे वो तो गिवन लाइन थी. समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कह रहा? हाँ सर, चलिए ठीक है, ये कॉपी कर लो, ये लंबा मेथड. अब इसका मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ. So sir, like in how do you decide that in which sums mod has to be taken and in which sums mod does not have to be taken? देखो यहाँ पे हम specifically दो angles को compare कर रहे हैं. पर ये भी tan theta है, वो भी tan theta, same tan theta है. ऐसे में you can sometimes ignore the mod. ठीक है, if you are taking the direction to be the same. लेकिन अगर सिर्फ एक ही tan theta निकालना हो और मतलब like find the angle between the lines तो mod लगाओ. You understanding? Okay sir. This is a very specific example. देखो अभी तक हमने कोई भी question में mod ignore किया नहीं. This is the first time you're seeing कि हम इसमें ignore कर रहे हैं. तो don't try to think कि अच्छा अभी मैं कैसे सोचू इसमें ignore करना है नहीं करना है. ये question जो हमने दो angles का, ये भी tan theta, ये भी tan theta, तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पे हम स्पेसिफिकली और कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया. सो सॉरी फन, मॉड ना लेना इज द एक्सेप्शन टू द रूल, मतलब जनरली मॉड लेते ही है. ठीक है, गॉट इट सर. सो सॉरी, वंस कुड यू रिपीट व्हाट लाइक व्हाट What's wrong if we take the mod? You were saying that 30 degree like kiya to do lines aayenge, to like what were you saying about that? Ek minute, main pehle copy kar lo, I'll explain. Okay, thank you. Sab logon ne ye copy kar liya?
ये कर लिया ना सबने? यस सर। हाँ ये फिनिश करो एल डी एच। ये हो गया तो बता दो। सर आप एक सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हो? ये हो गया? यस। क्या? यस सर, डन। देखो मैं क्या बोल रहा था, ये बाइसेक्टर है सपोज, पे अटेंशन, जिसका भी डाउट है, अगर ये बाइसेक्टर है और अगर मैं बोलता हूं कि there is a line that makes 30 degree with this. So, two possible answer is ke. Ek forward plus 30, ek backward, sorry, ye negative. Is tarah se aur ek is tarah se 30. Barabar? Ek clockwise 30 aur anti-clockwise 30. Do line possible hai. So, if I use the mod, I am going to get two answers. No? Because I have not specified specifically ki clockwise 30 hai ya anti-clockwise 30. Main bas bol raha angle 30. So tan jab mod formula lagate hain, that equation would be satisfied by this line as well as this line. Kyunki iska bhi iske sath tan theta 30 degree ya 1 by root 3 aayega, iska bhi 1 by root 3. One of these is the original line. So we can easily think ha ye to jo do answer aayenge apne ko do slopes aayenge. तो M1 जो है वो डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, तो वी विल नॉट से ओके दैट इज M2. तो जो नया अपने को लाइन आएगा वही हम बोलेंगे ना, दैट इज द आंसर. यस सर, गॉट इट. अगर हम स्पेसिफिकली डायरेक्शन वाइज जा ही रहे हैं, मॉड नहीं लगा रहे हैं, तो फिर वो अपने आप तुमको भरोसा है कि M2 ही आने वाला है. ठीक है, सो ओके नाउ Now I want to show you the short method. इस question का short method देखो कैसा है. It involves the reflection formula. ये bisector है और ये line है. इसका मैंने equation दिया था x plus y 7 है. इसका मैंने क्या दिया था? 3x plus 4y minus 24 is 0. हाँ, 3x minus 4y, 3x plus 4y minus 24 is 0. अच्छा, suppose करो मैं इधर एक point लेता हूँ, h comma k, ले सकता हूँ? ले सकता हूँ यहाँ पे point h comma k. हाँ sir. ये bisector है. अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेता हूं
तो मुझे डायरेक्टली एक यहाँ वाला पॉइंट नहीं मिलता है, करेस्पॉन्डिंग मिलता है कि नहीं मिलता? अल्फा बीटा एक मिलेगा ना यहाँ वाला पॉइंट? यस सर। सो कैन आई यूज द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ऑन एच कॉमा के टू गेट अल्फा बीटा? यस सर। अल्फा बीटा इज द न्यू पॉइंट, न्यू दिस इज द मिरर इमेज पॉइंट। सो x माइनस एच अपॉन वन, वाई माइनस के अपॉन वन, एच के को इसमें डालेंगे कट जाता है, ओके, दिस इज व्हाट वी गेट। सो x की वैल्यू आती है 7 माइनस के एंड y की वैल्यू आती है 7 माइनस एच। सो जो अल्फा बीटा है वो एक्चुअली क्या है, 7 माइनस के है और 7 माइनस एच है। अग्री? यस। ये आ गया अपने को। अच्छा, अल्फा बीटा पहली लाइन को सेटिस्फाई करेगा, पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है, करेगा नहीं करेगा? अल्फा बीटा फर्स्ट लाइन को कर रहा है ना सेटिस्फाई, तो जब फर्स्ट लाइन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आएगा? एच एंड के की वैल्यू आ जाएगी, एच और के में रिलेशन आएगा, वही लोकस है, वही इक्वेशन है, 25 इज इक्वल टू 4h प्लस 3k। ये देख रहे हो, ये अपने को 4x प्लस 3y 25 ही आया ना, सेम है ना, सेम टू सेम नहीं है? एच एक मिनट, क्या हो गया, सेम नहीं है? 4x प्लस 3y 25, ये सुनो आ गया? यस सर। This was shorter. So, वो अल्फा बीटा के राइट में क्या लिखा है? मिरर इमेज। समझ में आया ये मेथड? हाँ सर। सर वो मिरर इमेज कैसे पता चला? फॉर्मूला से। सो आई डिडंट गेट इट। मिरर इमेज का फॉर्मूला लगाया ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस? नो नो, हाउ डिड यू गेट दैट अल्फा बीटा इज द मिरर इमेज ऑफ एच कॉमा के? अरे वो दोनों ट्रायंगल्स अगर तुम लोग देखो ना तो कॉन्ग्रुएंट, वो डायग्राम से फील नहीं आ रही मतलब, लाइक अच्छा ठीक है ये तो इक्वल डिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर हम बनाए इक्वल डिस्टेंस, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह कुछ तो होगा, प्रूव कर सकते हैं हम, मतलब थोड़ी बहुत फील होनी चाहिए ज्योमेट्री की, ऐसा लग रहा है ना कि है कि नहीं, मतलब डायग्राम देखिए, यू वांट लाइक द प्रूफ स्टेटमेंट एस एस थ्योरम? नो नो सर, गॉट इट। One second, let people copy short method.
Do we have a class? Another class? I don't think we have another class, no? So we have a class on 31st. We have another class? Okay. Yes, sir. No, okay. What are we doing? The exam is going to be till here, right? Sorry? Sir, till here, right? Now, exam. हाँ, I'm going to मैं तुमको Friday जब भी अपना class है 31st को, I'll be teaching you थोड़ा जिस 5-10 मिनट का बचा रहेगा अपना 10 मिनट का थोड़ा सा मुझे बता रहे हैं ना okay and then so I'll be which is your out. Next chapter sir probability or function sir ek minute ruko mujhe straight lines ke kuch questions miscellaneous karane hain because even though theory is over I still need to do some questions one lecture I need to reserve for random yes, questions from all topics like tough questions so, I mean know. After that sir sir we show the first method of mirror image no mirror position sorry ये हो गया कॉपी करके यस सर यस सर मेरा ना एक छोटा सा डाउट है पूछो क्या अभी सर एक आपने जो अभी दिया उससे रिलेटेड नहीं है इसमें डाउट है इज इट रियल हां सर कोऑर्डिनेट का ही है मतलब एक इक्वेशन है एक मिनट इफ यू आर गोना आस्क मी नाउ सी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जिसको भी कॉपी करना था समबडी वाज टेलिंग सर इसके नीचे वाला पार्ट है डन सर Sir, even I took it. Thank you. Okay. Now, I want to reserve after the topic wise test. I want to reserve one lecture for like questions and all that. Because abhi mujhe doubts lena hai next lecture mein. Uske baad. Haan, what is your doubt? Sir, ek question. Others can leave if you are done. Copy. Sir, can you show this question once, sir? 1 minute. टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए तुम लोग 1B 2A कर लेना ठीक है मैंने बताया क्या क्या करना है स्पेसिफिकली सर लाइक आफ्टर द स्ट्रेट लाइंस इज ओवर आफ्टर अरे उसका टेंशन बाद में लो क्या फर्क पड़ता no, है नो सर आई एम जस्ट आस्किंग द न्यू चैप्टर व्हिच यू विल बी कवरिंग विल बी देयर फॉर द एमटी और नॉट सर You know the syllabus for MT, right? Yes, sir. So already we announced. No. ये हो गया? Yes, sir. ठीक है. हाँ, what is your doubt? I want to take that person's doubt. Sir, x square minus 5xy plus 6y square equals 0. Okay, some 2-degree equation. Okay, ठीक है. हाँ, sir. Sir, इसका ना मतलब दो lines कैसे बनाते हैं? ये कहाँ encounter किया तुमने? सर आपने जो होमवर्क भेजा था ना उसमें कहाँ पे सर शीट वाला हाँ सर नारायण ग्रुप वाला एक मिनट कौन से लोकस में था हाँ सर लोकस में था एक मिनट पेज नंबर 34 वो मत करो वो पैर ऑफ स्टेट लाइन में आता है वो पैर ऑफ स्टेट लाइन में आता है I'll tell you what to do, but ये चीज हम straight lines की बात करेंगे, ठीक है? We have not done that. वो chapter हुआ नहीं है।
It's from a different chapter, pair of straight lines. Okay, sir. So, once can you tell what all we should practice? देखो, one भी तो करना ही है, किया है तुमने try? हाँ सर, थोड़ा सा किया है. Now, if you are serious about the topic wise test, you will do 2A because 1A 1B जो होता है वो mains level होता है, 2A 2B ये advanced level होता है. अगर तुमने 2A किया है तो you are more preparing for the JE advanced. Yeah, so don't further solve 1A, 1B se shuru karo and proceed to 2A. So 1B full, right? And 2A also full? 1B, it would, agar tum 1 to 35, 40 ke aaspaas kar lo chalega and then move to 2A. Okay, don't skip directly to 2A. Yeah. 1B pehle. Thank you. And so the sheets which you gave, that also we should do everything, right? Maine kuch questions mana kiye the. I don't know which one there. लोकस के कर लेना और लाइक स्टार्टिंग वाला पार्ट जो था ना ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह वो सब कर लेना सर आपने ना शायद उसका आंसर्स नहीं भेजा आंसर्स और हिंट लोकस का आई डोंट व्हिच एक्सरसाइज वाज दैट यू लेट टू टेल मी ऑन दिस ग्रुप सर लेवल 3 ऑफ लोकस यू हैवंट सेंड द आंसर्स अच्छा आई हां सर हिंट्स भी भेज दो सर वो हिंट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि हिंट्स भी सबसे भी समझ में नहीं आता है ठीक है चलो आज के लिए इतना 1B 2A मेक श्योर यू कंप्लीट